हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो यार, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आप फ्लैपी बर्ड गेम कितना इजीली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टर्टल। और ये हमारा लास्ट वीडियो था इस सीरीज का, सो दैट आप 8 गेम आप कंप्लीट कर चुके हो, आपको लॉजिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट करा होगा तो सारे गेम्स को डिजाइन हमने टोटल 24 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार उन 24 प्रोजेक्ट्स को आप एक सिंगल स्क्रीन पे बाइंड करके किसी को कैसे शो कर सकते हो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार आज हम बनाने क्या वाले हैं। आज हम ये बनाने वाले हैं गाइस, ये स्क्रीन जो आप डे वन से देखते हुए आ रहे हो, इसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे गेम्स हैं, ये आपके ऑन क्लिक इवेंट्स हैं, और ये आपके सारे के सारे डिजाइन हैं। तो ये भाई आपने सब कुछ बना लिया है, अब आप इन्हें कैसे एक विंडो पे बाइंड करोगे, तो मैं आपको आज ये सिखाने वाला हूँ। तो इसे सीखने से पहले गाइस आपको पता है क्या करना है, पहले तो यार आप वीडियो को लाइक करो। ओके, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे बताओ कमेंट करके कि यार ये सीरीज कैसी लगी है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यार देखो क्या है कि अगर आपको इसे बनाना है तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सारे के सारे बनाने सिखाए हैं, इन्हें मैंने क्या करा है, एक ही प्लेस पे रखा है। ओके, क्या करा है, सबको एक ही प्लेस पे रख दिया है, एक ही फोल्डर में रखा है। ओके, सो दैट आपके लिए चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ना पड़े। लाइक जैसे कि ये सारे ऑन क्लिक वाले 8 डिजाइन मैंने एक ही फाइल में बनाए हैं। ओके, और जो आपके बेसिक डिजाइन थे वो मैंने यहाँ बनाए हैं, और उसके बाद सारे आपके क्या है, गेम्स हैं, इन सबको मैंने क्या करा है, एक फाइल में बाइंड करा है। और वो फाइल में आपको बनाना यहाँ पर सिखाऊंगा। ओके, तो मैं अपनी डेमो फाइल ओपन कर लेता हूँ, और वहां पर आपको लाइन बाय लाइन कोड लिखना सिखाता हूँ कि भाई आप कोड कैसे लिख सकते हो, और एट द एंड में आपको उसे एग्जीक्यूट करना बताऊंगा कि आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ पहले, तो जिसपे मैं आपको डिस्प्ले करूंगा कि भाई आप इसे बना कैसे सकते हो। सो दिस इज माई डेमो फाइल। ओके, और मुझे क्या करना है, सबसे पहले टिकिंटर का ब्लैंक विंडो चाहिए, तो जो कि मैं अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ वही करूंगा। ओके, सबसे पहले टिकिंटर की स्क्रीन बनाऊंगा। टिकिंटर की स्क्रीन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उसमें कुछ मल्टीपल बटन्स बनाऊंगा। ओके, जो कि मेरी हेल्प करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को इन्वोक करने के लिए। तो देखो मैं कैसे कनेक्टिविटी बनाता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, देखिए आप और ऑब्जर्व कीजिए। अगर टिकिंटर में आपको कोई प्रॉब्लम है यार, तो सिंपल सा रूल है, आप जाइए, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने इस वीडियो के, वहां पर जाके आप टिकिंटर पढ़िए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, दो चीजें यूज करी, इम्पोर्ट टिकिंटर एस टी के फ्रॉम PIL, इम्पोर्ट इमेज और इमेज टी के। ओके, ये मैंने इसलिए यूज करा है कि भाई मैं अपने टिकिंटर विंडो के बैकग्राउंड में एक इमेज डालना चाहता था, मैं नॉर्मल भी डाल सकता था, बट मैंने ये मेथड चूज करा। स्क्रीन का नाम मैंने क्या दिया है आपका, माय डिजाइन। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि भाई अब मेरा जो भी स्क्रीन है उसके जो बैकग्राउंड में मैं क्या डालूंगा, एक इमेज डालूंगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको इमेज डाल के दिखाता हूँ। ओके, तो इतना तो आपको क्लियर होगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैंने इमेज डाल दिया बैकग्राउंड में। और मैंने क्या करा, फिट इमेज इन बैकग्राउंड। तो ये इस तरीके से मैंने किसका, PIL लाइब्रेरी का यूज करके अपनी इमेज को बैकग्राउंड में डाल दिया है गाइस। ओके, आगे देखते हैं ये फाइल पाथ क्या है। यहाँ पे मैंने इमेज दिया है, इमेज का फाइल पाथ, तो पाथ यहाँ था और उसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। उसके बाद मैंने गेट करी है कि इमेज की हाइट क्या थी और इमेज की विड्थ क्या थी, और दोनों को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, सो दैट वो मेरी जो स्क्रीन की ज्योमेट्री है उसके साथ स्टेबल हो सके। ओके, अब मैं क्या करूंगा भाई, जितने भी मेरे डिजाइन वाले प्रोजेक्ट है उन्हें इंपोर्ट करा लूंगा। इंपोर्ट कैसे कराऊंगा, देखो सिंपल सा रूल है, एक फ्रॉम कीवर्ड के साथ मैं लिख दूंगा उस पर, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, मतलब एक फाइल के सारे फंक्शंस को मैं दूसरी फाइल में इंपोर्ट करा लूंगा। तो फ्रॉम बेसिक डिजाइन इंपोर्ट स्टार, और ये जो बेसिक डिजाइन है ये फाइल मेरी इसी फोल्डर में पड़ी है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखो एक ही लोकेशन पे। ओके, ये मेरी मेन GUI फाइल है, अभी मैंने इसका नाम यहाँ पे डेमो रख रखा है गाइस आप लोगों के लिए। ओके, तो ये जो मेन GUI वाली फाइल है वो यही है जो मैं अभी यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, इसमें मैंने किसे इंपोर्ट कराया है, बेसिक डिजाइन वाली फाइल को, तो इसके जितने भी फंक्शन है वो इस फाइल में आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, बस डिफरेंट डिफरेंट बटन्स बनाऊंगा और इन सारे के सारे फंक्शन को उन बटन्स पे कॉल कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ टिकिंटर। तो देखो मैं सिंपल आपको कोड एक बटन को समझाऊंगा, और जैसे आपका एक बटन बनेगा वैसे आपके सारे बटन बनेंगे। तो मैं इस कोड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और देखो सिंपल मैंने एक बटन बनाना, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कैसे बनेगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि L1 क्या है, तो L1 आपका बस सिंपल सा लेबल है गाइस। ओके, जो कि क्या दिख रहा है, पैटर्न एनिमेशन, कि भाई जो पहला वाला है वो क्या है आपका, पैटर्न एनिमेशन है। और सबसे लास्ट में क्या लिखना पड़ता है आपको पता है कि क्या,
स्क्रीन डॉट मेन लूप, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो मैं इसे ऑपरेट करके पहले तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो क्या है, अभी आपका जो बैकग्राउंड वाली इमेज है वो शो हो रही है, बाकी अभी जो मैं धीरे धीरे लिखूंगा यहाँ पर तब आपको डिस्प्ले होगा कि भाई क्या मैंने बनाया था। ओके, तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम बेसिक डिजाइन इम्पोर्ट वट स्टार, गॉट इट। तो देखो ये जो बेसिक डिजाइन फ्रॉम स्टार है ये क्या है कि ये जो भाई डेमो फाइल है, ओके, इसे मुझे उसी लोकेशन पे रखना पड़ेगा तब ये वर्क करेगी। तो मैं पहले से उस लोकेशन पे डाल देता हूँ, तब मैं आपको शो करता हूँ। सो फ्रेंड्स देखो ये मैंने मल्टीपल बटन्स बनाए, मैं इसे सिर्फ एग्जीक्यूट कराता हूँ तो अब आपको ये बटन्स वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और गाइस सारे के जितने भी मैंने यहाँ पे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये बटन है क्या और कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी 8 बटन्स मैंने यहाँ पर बनाए, और अगर आप किसी को भी क्लिक करोगे तो आपकी इस टर्टल स्क्रीन पे, जस्ट वेट अ सेकंड, इस टर्टल स्क्रीन पे वो डिजाइन डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैंने डिजाइन वन पे क्लिक करा तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका डिजाइन वन डिस्प्ले हो रहा है। सेम फॉर डिजाइन टू क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो आपका डिजाइन टू बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये कैसे हुआ आप देखते हैं और सीखते हैं कि भाई ये हुआ कैसे। तो अभी के लिए मैं पहले से कट कर देता हूँ। ओके, अभी मैंने विंडो बंद कर दी है वो, बट आप कोड समझो क्या हुआ है। सबसे पहले एक लेबल बनाया जिसपे क्या लिखा था, पैटर्न एनिमेशन। उसके बाद बटन वन, बटन वन क्या है, किस पे प्लेस है, एक स्क्रीन पे प्लेस है उसका, और उसका जो क्या है टेक्स्ट है वो क्या है, डिजाइन वन। बैकग्राउंड कलर ये है, फोरग्राउंड कलर ये है। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि जो भाई बटन का कलर है, और फोरग्राउंड का मतलब है जो उसमें टेक्स्ट लिखा है उसका कलर। एक्टिव बैकग्राउंड येलो, मतलब जब आप बटन को क्लिक करोगे तो उसका कलर क्या होगा, तो क्या होगा, येलो होगा। फॉन्ट मतलब जिसमें आपका जो टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट क्या है, तो मैंने लिखा है एजेंसी FB और 18 उसका साइज दिया है। ओके, रिलीफ का मतलब क्या है कि जो उसका स्टाइल है कि आप बटन राउंडेड रखना चाहते हो, तो मैंने क्या दिया है, ग्रूव दिया है। तो आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बटन को सक कर रखा है इंटरनली। विड्थ बटन की हाइट, और कमांड क्या है कि भाई उस बटन को क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो मैंने बोला स्क्वायर फंक्शन। बट आप बोलोगे स्क्वायर फंक्शन तो इस फाइल में कहीं है ही नहीं, तो भाई वो कहाँ पर है, डिजाइन, बेसिक डिजाइन के अंदर है जो कि मैंने इम्पोर्ट करा लिया है। और बटन का जो बॉर्डर है मतलब एजेस कितनी दी है मैंने, 4। जब ये पूरा बटन बन गया तो मैंने कहाँ पर प्लेस कराया उसे, एक्स में 60 और वाई में 80। तो सेम जैसे ये बटन बनाया वैसे ही मैंने सारे के सारे बटन बनाए। ओके, अब बनाने के बाद ये मेरा 8 बटन्स का मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, जिसमें कि सिर्फ आपके बेसिक डिजाइन्स थे। अब बेसिक डिजाइन बनाने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, आपके ऑन क्लिक इवेंट्स। तो सेम जो कि ऊपर करा है, सबसे पहले एक लेबल लिखूंगा, और लेबल लिखने के बाद क्या करूंगा, फिर से मल्टीपल बटन्स बनाऊंगा। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी आपके बटन्स की वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे बटन वन, बटन टू, बटन 8 लिखा है, ओके, ये डिफरेंट होने चाहिए। तो अगेन यहाँ पर देखो फिर से मैंने कोड पेस्ट करा, और ये कोड किस चीज का है, देखो वहां पर बटन वन था, बट यहाँ पर क्या होगा, बटन वन वन। और लेबल के लिए मैंने क्या यूज करा है, L1, क्यों, क्योंकि L लेबल मैंने ऊपर यूज कर लिया था, तो आप सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम इसमें भी वही है, सबसे पहले एक लेबल क्रिएट करा है, वेट अ सेकंड गाइस, ये रहा। ओके, तो क्या करा है, सबसे पहले एक लेबल क्रिएट करा है, और लेबल क्रिएट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल इंपोर्ट करा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक में से मैंने क्या करा है, सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करा लिया स्टार की हेल्प से। तो देखो ये थी मेरी कौन सी फाइल, ऑन क्लिक फाइल, कौन सी फाइल थी, ऑन क्लिक। तो इसे मैं फिर से हटा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ऑन क्लिक में से भी जितने भी थे भाई, देखो कौन कौन से थे, तो बटन वन पे मैंने किसे कॉल कराया है, माउस क्लिक वाले इवेंट को, बटन टू पे स्पायरल को, तो जो भी आपने बनाए थे बस मैंने बटन वाइज इन्हें कॉल करा दिया है। अब देखते हैं भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगेन मैंने इस कोड को रन कराया है, और अब आपका ये वाला पार्ट बन के आया है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो आपके टर्टल स्क्रीन पे क्या वर्क करेगा, क्लिक वन। तो जैसे मैंने क्लिक वन करा, देखो क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, बट जैसे मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा वहां पर ही मेरी फिगर ड्रॉ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है। अब जैसे मैं क्लिक टू करूंगा, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ इरेज हो गया है। तो गाइस आपको याद होगा मैं हर फंक्शन को बनाने से पहले रीसेट स्क्रीन लिखता था, वो इसीलिए लिखता था कि अगर कोई नया फंक्शन चले, क्योंकि ये विंडो क्या है, सेम है, इसी विंडो में सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, तो इसीलिए लिखता था मैं, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहे हो तो आपकी विंडो सबसे पहले रीसेट हो जाए, मतलब जो पहले का काम है वो क्लियर हो जाए।
तो जब आप ये बाइंड करोगे तो जो भी आपने कोड अभी तक लिखा है उन सबके रीसेट स्क्रीन को क्या कर देना, अनकमेंट कर देना। ओके, अनकमेंट इसलिए कर देना, जैसे ही मैं एक नया नया बटन क्लिक करूंगा तो देखो पुरानी स्क्रीन रिसेट होके नया वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखो ये आपका क्या है, देखते हैं, ये आपका आई थिंक ड्रैग वाला पार्ट है, तो अभी ड्रैग नहीं हो रहा है। थर्ड पे मैंने कुछ बनाया था, ओ सॉरी, ये की मूवमेंट वाला पार्ट था, मैं भूल गया था। ओके, ऑन प्रेस की, तो इससे आप अपने टर्टल को किसके साथ कंट्रोल कर सकते हो, अपने कीबोर्ड कीज के साथ। तो मैंने यहाँ पर एरो कीज बाइंड कर रखी है, गॉट इट। तो ये सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कौन से, आपके माउस इवेंट्स और सिंपल कीबोर्ड इवेंट्स। इसके बाद मैं अब आपको गेम बाइंड करना सिखाऊंगा। बट यार गेम देखो क्या है, अब गेम में एक प्रॉब्लम आएगी कि 8 गेम्स हैं, 8 गेम्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉल नहीं करा सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक टेक्निक यूज करी भाई। अगर मैं लिखता कि इम्पोर्ट दिस, तो भाई बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि मल्टीपल चीजें मुझे इम्पोर्ट करानी पड़ती है यहाँ पर फ्रॉम इम्पोर्टर। ऐसा अच्छा नहीं होता कि आप मल्टीपल फाइल्स एक ही फाइल में इम्पोर्ट कराओ। तो मैंने क्या करा, एक गेम के लिए क्या करा, गेम के जो 8 गेम्स थे उनको सबसे पहले एक जगह पर इम्पोर्ट करा लिया, और उस एक फाइल को यहाँ इम्पोर्ट करा लिया। मतलब बोलने का क्या मतलब है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बोलने से बेटर है। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक फाइल ओपन करूंगा। So, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फाइल बनाई है गेम डम्प नाम की। इस गेम डम्प फाइल में मैंने क्या करा है, बहुत इजी वे में, ओके, मैंने क्या लिखा, इम्पोर्ट ओएस। ओएस आपकी लाइब्रेरी होती है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हो। मैंने बोला ओएस डॉट सिस्टम, पहला गेम का नाम क्या रखा, रेस, दूसरे का नाम रखा क्या, आयरन मैन। तो ये मैंने 8 फंक्शंस बना दिए इस फाइल में, और इस फाइल के 8 फंक्शंस में मैंने क्या करा, ओएस डॉट सिस्टम, मतलब कि जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ये इस फाइल को इन्वोक कर देगा, किससे, टर्टल रेस को। टर्टल रेस डॉट पीवाई आप पूरा भी लिख सकते हो, और आप उसे टर्टल रेस भी लिख सकते हो। तो देखो अगर इस फाइल को आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, तो मैंने क्या करा, जो आपकी टर्टल रेस थी, ओके, उसे मैंने किसमें, इसमें इम्पोर्ट करा लिया। मतलब सारे के सारे गेम्स को मैंने किसमें इम्पोर्ट करा लिया, इस फाइल में। और इस फाइल को मैं किसमें इम्पोर्ट करा लूंगा, मेन जीयूआई वाली फाइल में, या फिर आपका जो भी यहाँ पर डेमो फाइल में आपको बता रहा हूँ, तो किसमें यूज कर लूंगा, डेमो फाइल में यूज कर लूंगा। मतलब मैंने 3 फाइल का यूज कर लिया है, सो दैट मैं अपने कोड को सिंपल बना सकूं। अब बस मुझे क्या लिखना है, मुझे हर बार ये नहीं लिखना है कि इम्पोर्ट टर्टल गेम, इम्पोर्ट आयरन मैन गेम। ओके, मुझे बस एक चीज लिखनी है, क्या, इम्पोर्ट गेम डंप। ओके, और गेम डंप लिखते ही मेरे पास सारे के सारे गेम्स आ जाएंगे। ओके, तो मैं आपको अभी कोड पेस्ट करके दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये मैंने गेम का कोड कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने बटन्स के नेम फिर से चेंज कर दिए हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ मैंने क्या लिखा है, इम्पोर्ट गेम डम फ्रॉम दिस, कि मतलब भाई गेम डम में से स्टार इम्पोर्ट कर लो। ओके, स्टार का मतलब है सिर्फ आपकी सिंपल गेम डम में से जितने फंक्शन थे वो सारे के सारे। तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, और अब अगर आप देखोगे तो ये आपकी कंप्लीट फाइल वही बन गई है जो कि मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा था अभी तक। ओके, कि भाई क्या होगा और कैसे होगा। तो अब अगर आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो वो वाला गेम आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आयरन मैन पे क्लिक करा, तो दिस इज योर आयरन मैन गेम। ओके, तो यार ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, कंप्लीट सीरीज जो भी मैंने यहाँ पर पूरी बनाई है, तो ये पूरी की पूरी फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, सारे गेम्स उसमें अवेलेबल होंगे, जो लास्ट वाली वीडियो है इसमें आपके सारे के सारे गेम, वैसे तो मैंने हर वीडियो में शेयर करा है, बट इस वीडियो में मैं आपको सारे गेम और जो भी मैंने बाइंड कर रखा है मैं जिप फाइल में करके आपको शेयर कर दूंगा। आप यूज कीजिए और बताइए ये सीरीज कैसी लगी है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर गेम डेवलपमेंट एंड लॉजिक बिल्डिंग इन टर्टल। आई होप आपको अच्छी लगी होगी यार वीडियो। तो यार वीडियो अच्छी लगी है, लास्ट वीडियो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है या बनाया तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे काफी अच्छा फील होगा। ओके, अब मिलते हैं यार नेक्स्ट सीरीज में, कुछ नया सीखते हैं भाई, पाइथन में नया क्या है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आज की अभी क्या चल रहे हैं, चैटबॉट्स बनाना सीखते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।